अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। माय नेम इज हुसैन गुल। आज की हमारी क्लास पावर पॉइंट के ऊपर है। सबसे पहले तो पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशन के हवाले से होता है कि हम इसमें किस तरह प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन आप इसमें किस तरह बना सकते हैं और कैसे बनाएंगे, वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे। और ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के तरीके कि आप यहाँ से सर्च बार से इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ आप टाइप करेंगे पावर PNT, टाइप करके भी आप इसको ओपन कर सकते हो। आप इंटर करें, आप रन ऑप्शन के जरिए भी इसको ओपन कर सकते हो। ये हमारे पास वेलकम स्क्रीन है, यहाँ जहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, थीम्स भी आप उसको कह सकते हो। मुख्तलिफ थीम्स है जो पहले से डिज़ाइन किए हुए हैं। आप ऑनलाइन भी यहाँ से कोई थीम वगैरह उठा सकते हो। अगर आपके पास नेट ऑन है तो आपके पास काफ़ी सारे थीम्स वगैरह, प्रेजेंटेशंस वगैरह आप उठा सकते हो। तो मैं यहाँ से अपना वर्क शुरू करता हूँ। रिसेंटली डॉक्यूमेंट आपके पास इस साइड पे मौजूद होते हैं। अगर आपने नए सिरे से काम शुरू करना है तो उसके लिए हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर आने के बाद आपके पास एक मुकम्मल यूज़र इंटरफेस ओपन हो चुका है, जिसके अंदर आपके पास अगर आप देखें तो क्विक एक्सेस टूल पर, टाइटल पर, रिबन्स एंड देन मिनिमाइज स्टोर डाउन क्लोज, ये आपके पास सारे तमाम टैब्स हैं। हर टैब्स के अंदर अपनी एक अलग मेन्यू है। तमाम मेन्यू को हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, और हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास के अंदर पावर पॉइंट को मुकम्मल किया जाए। यहाँ हमारे पास जो आपके पास स्लाइड्स वगैरह होती है, जैसे हमारे पास वर्ड वर्डपैड होता है, एक्सेल होता है, जिसमें हम पेज शीट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड्स इस्तेमाल करते हैं जो हमारा बेसिकली वर्किंग एरिया होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर फाइल एप्लीकेशन मेन्यू, बिल्कुल बेसिक है। न्यू ओपन, सेव, सेवेज वगैरह आप किस तरह कर सकते वो आप जहाँ को पिछले क्लासेस में जैसे विनवर्ड में मैंने कहा था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होता है। इसी तरह हमारे पास क्लिपबोर्ड मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट, अमूमन आप लोगों को पता होता है कोई भी टेक्स्ट को कट करना, कॉपी करना, फॉर्मेट प्रिंटर आपके पास होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के जो फॉर्मेटिंग यूज हुई होती है उसको दूसरे पे कैसे अप्लाई किया जाता है। हमारे पास यहाँ पर स्लाइड्स, तो ये जो हमारे पास स्लाइड है इसमें मैं कुछ वर्क कर लेता हूँ। अगर आपने न्यू स्लाइड, आपने एक स्लाइड पे काम किया और अब आप चाह रहे हो कि आपको न्यू स्लाइड चाहिए, तो आप यहाँ से न्यू स्लाइड यहाँ पर ओपन कर सकते हो। स्लाइड्स हमारे पास मुख्तलिफ है। टाइटल स्लाइड मतलब आपके पास टाइटल, देन आपने सब टाइटल के लिए ऑप्शन भी होता है, टाइटल एंड कंटेंट, आपने कोई कंटेंट वगैरह रखता है, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक या कंटेंट विद कैप्शन या पिक्चर विद कैप्शन, मुख्तलिफ आपके पास कस्म के आपके पास स्लाइड्स मौजूद है। आप कोई भी स्लाइड उठा सकते हो। ब्लैंक स्लाइड ये होते हैं कि आपके पास अपने हिसाब से आप इस पर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यूज करके अपने हिसाब से कोई भी स्लाइड वगैरह डिजाइन कर सकते हो। डुप्लीकेट स्लाइड्स, सेलेक्ट स्लाइड्स का मतलब जो आपके पास है और उसी का अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड लेना चाहो तो उसकी कॉपी आ जाती है। अगर आपने फर्स्ट करके किसी भी स्लाइड को डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके उसको, रिसेंट स्लाइड का मतलब होता है कि आप उसको खत्म कर सकते हो, मतलब रिसेंट स्लाइड के अगर आपने इसमें कुछ वर्क किया, जैसे आपने कुछ चेंजिंग्स वगैरह की, यहाँ पर आप आए और आपने राइट क्लिक करके आप आए रिसेंट स्लाइड, तो ये पहले जैसे वर्किंग हो जाती है, मतलब जिस हालात पे आपके पास वो स्लाइड चेंज, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसको, उसी पे आपका स्लाइड आ जाएगा। फिर अगर आप इसको डिलीट करना चाहो तो राइट क्लिक करके आप डिलीट स्लाइड भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं न्यू स्लाइड लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक मुकम्मल एक 3-4 स्लाइड्स का एक डेटा बना रहा होता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ।
या आप अपने तीन स्लाइड्स वगैरह बनाए। फिर हमारे पास होता है लेआउट। लेआउट बेसिकली आपने जो स्लाइड ली होती है और उसकी मेथड को चेंज करता है। आप चाह रहे हो कि आपने इसको टू कंटेंट में रखना है, तो आप उसको टू कंटेंट, आपकी टेक्स्ट वही रहेगी बट आपका लेआउट चेंज हो जाता है। आप टाइटल कंटेंट में टाइटल कंटेंट लेते हैं, आप टाइटल स्लाइड रखते हैं, टाइटल स्लाइड इसमें टाइटल आ गया और आपके पास नीचे सब सेक्शन आ गया। तो मैं इसको टाइटल कंटेंट रखता हूँ। रिसेंट मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की आपने पोजीशन वगैरह चेंज कर, रिसेंट जब आप करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म पे वो आ जाएगा। यहाँ पर सेक्शन हैं, जिस तरह हमने वर्ड पेड में पढ़ा था कि आप किस तरह सेक्शन ऐड करते हो, रिमूव करते हो, इस तरह आप सेक्शन बनाते हो। अगर आप इसी के अंदर सेक्शन बनाते हो तो ऐड सेक्शन करें, तो ये आपका सब सेक्शन आ गया। मतलब अगर आप इसी को रिमूव करना चाहते हो, मतलब आपने इसको रिमूव ऑल सेक्शन, तो ऑल सेक्शन आप रिमूव कर ले। ये एक मतलब एक ही स्लाइड के आपके पास हिस्से बन जाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ फॉन्ट्स होते हैं। फॉन्ट्स आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप किसी ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट का साइज कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अपने फॉन्ट स्टाइल वगैरह इसको टिक करने, फॉन्ट स्टाइल वगैरह इसको बोल्ड करना, बोल्ड कर सकते हो, टैलिक टेढ़ा अंडरलाइन, आप शेडो वगैरह अप्लाई करें, शेडो वगैरह अप्लाई कर सकते हो। फिर हमारे पास होता है अगर आप चाह रहे हो कि आपने स्ट्रिक्ट रूल यूज करना, स्ट्रिक्ट यूज कर सकते हो। या अगर आप यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स के दरमियान, मतलब आपके पास जो वर्ड है उसके टेक्स्ट जो अल्फाबेट्स है उनके दरमियान आपने स्पेस कैसे रखने, नॉर्मल है आप लूज रखना चाह रहे हो, आप लग रहे वेरी लूज रखने तो वेरी लूज रख सकते हो। यहाँ पर आपके पास चेंज केस है, चेंज केस टेंस के आप लोअर केस होते हैं, आपका अपर कैपिटल है, ईच वर्ड में रखता हूँ यहाँ पर। इसी तरह आप कलर वगैरह यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे कलर वगैरह यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर आप इसको भी कलर वगैरह दे सकते हो। यहाँ सेम इसी तरह आप इसके अंदर भी कलर वगैरह यूज करिए। अगर आप यूज करना चाह रहे हो फॉर्मेट प्रिंटर, क्लिक करें, फॉर्मेट प्रिंटर पर आए, जिसके ऊपर आप उसके ऊपर सिलेक्शन ले लें। आपने फॉर्मेट प्रिंटर लिया, यहाँ पर आप आए, ठीक। तो इस तरह आप फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल स्लाइड्स वगैरह में कर सकते हैं। तो ये आप देखें फॉर्मेट प्रिंटर भी आपने यूज कर लिया। इसके बाद हमारे पास होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। आपने पैराग्राफ स्पेसिंग मतलब अलाइनमेंट्स वगैरह भी आपके पास है। आप जिस तरह हमारे पास यहाँ पे बुलेट्स यूज हुए हैं, आप बुलेट्स अटैक के नंबरिंग वगैरह लगा सकते हो। आप नॉर्मल आपके पास टिक वर्क आप यूज़ कर सकते हो। आप मैं ये साइन दे देता हूँ, होलो स्क्वायर बुलेट्स है। इसी तरह आपके पास ये जस्टिफाई ऑप्शन है, मैं इसमें भी थोड़ी चेंजिंग कर लेता हूँ। इसी तरह आपके पास ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह है, तो आप यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह यूज कर सकते हो। आपने एक लाइन के दरमियान फासला कितना रखना है वो आप रख सकते हो। आपने कॉलम्स वगैरह बनाने तो कॉलम्स वगैरह बना सकते हो। इसके अंदर अगर आप टेक्स्ट बढ़ाओगे तो आपके पास यहाँ पर इस जगह पर ये कॉलम बन जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन है आपके पास, आप टेक्स्ट डायरेक्शन किस तरह रखना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल जो कि सूट भी कर रहा है, सही भी है। अलाइनमेंट से आप मिडल पे इसको रखें, आप बॉटम पर अगर आप इसको सेंटर पे करते हैं, नट्स मैं तमाम को सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको सेंटर पे करता हूँ। आप अलाइनमेंट्स रख सकते हो, मैं इसको फिलहाल लेफ्ट में रखता हूँ क्योंकि ये कॉलम के सेंटर पर, मैंने कॉलम वन कर दीजिए और फिर आप सेंटर करें तो ये मुकम्मल सेंटर पे आ जाए, पूरी टेक्स्ट आपके पास सेंटर पे आएगी। ये मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ा रहा था, जो मैं उसको मुकम्मल कर रहा था, तो उसमें मैंने काफ़ी डीपली इन चीज़ों को पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर आप उसको हॉरिजॉन्टल लिखें, या आप अलाइन टेक्स्ट को आप इसको टॉप पे रखें। फिर आपके पास होता है स्मार्ट आर्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। किसी भी बुलेट्स वगैरह को आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं इन आपके पास ये तीन टेक्स्ट मौजूद है जो मैंने सेंटेंस वाइज लिखे, मैं इनको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप इसी तरीके से इनको स्मार्ट आर्ट वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आप चाहे जिस तरह आप रखना चाहे, तो आप इस तरह आप उसको
डिजाइन कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहें कि आपने कोई लेट सपोज कि आपने कोई शेप वगैरह इसमें यूज कर ले, तो आप शेप वगैरह भी यूज कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी शेप वगैरह उठा के इसमें यूज कर सकते हो। अरेंज आपके पास होता है ब्रिंग टू फ्रंट अलाइन, जैसे ब्रिंग टू सेंट टू बैक होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंट बैकवर्ड होता है, इस तरह आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप सेलेक्ट, जैसे मैं इन को सेलेक्ट करता हूँ, या हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप का भी वर्क करता है, इसके अंदर अगर आप शेप फिल देखते हो तो आप शेप फिल वगैरह भी इसमें यूज कर सकते हो, आप शेप वगैरह भी इसमें लगा सकते हो। या आपके पास शेप आउटलाइन वगैरह है, आप शेप आउटलाइन वगैरह दे सकते हो, आपने इनकी विड्थ वगैरह बढ़ा, इनकी विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हो। आउटलाइन को मैं थोड़ा मिडिल में रख देता हूँ। तो शेप आपके पास इफेक्ट होता है कि आप शेप इफेक्ट वगैरह कैसे प्रेस्ड वगैरह दे सकते हो, या आप उसको सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो आप सॉफ्ट भी बना सकते हो, जिस तरह आप उसको डिजाइन करना चाहें। फिर हमारे पास होता है शेप आउटलाइन में, अगर आप देखें डैश वगैरह भी आपके पास है तो आप यहाँ से भी आउटलाइन को भी स्टाइल वगैरह दे सकते हो। यहाँ पर हमारे पास होता है फाइंड, मतलब आपने कोई वर्ड वगैरह फाइंड करना है तो आप फर्स्ट मैं फाइंड करना चाहता हूँ टैग। ये तमाम चीज़ें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काफ़ी डिटेल से पढ़ाई है, अगर आप चाहें तो वहाँ उन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो आप फाइंड नेक्स्ट करें, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट मैच केस होता है जिस तरह आपने लिखा हुआ है सेम टू सेम। फाइंड होल वर्ड का मतलब कंप्लीट अगर वर्ड है, ये जिस तरह ये ज्वाइन है तो ज्वाइन को फाइंड नहीं करेगा। मैच डायक्रेटिस मैच का सीधा, मैच एल्फ हमजा मतलब स्पेस वगैरह की चेंजिंग से, या कोई कॉमा वगैरह आपने दिया हो उन चेंजेस को ये इग्नोर कर रहा होता है। रिप्लेस भी सेम है, आप उसको इसकी जगह टैग की जगह कुछ और लिखना चाहे, फिलहाल मैं नहीं लिखना चाहूँगा, आप रिप्लेस कर सकते हो। सेलेक्ट आपके पास सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिस तरह ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी वर्क कर रहा है। सिलेक्शन पेन पर जब आप आते, जितना आपने शेप्स वगैरह यूज़ किए हुए होते हैं उनको अगर आपने हाइड करना है, शो करना है, इस तरह आप कर सकते हो। अप एंड डाउन आप उसको सेंट टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह कर सकते हो उसे। इसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट टैब। ये हमारे पास बिल्कुल होम टैब, बिल्कुल बेसिक हवाले से था। इंसर्ट टैब में हम कुछ नया पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब में हमारे पास सबसे पहले न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी स्लाइड्स मेन्यू में पढ़ ली। फिर हमारे पास है टेबल, अगर आपने इस पर कोई टेबल वगैरह बनाना है जिस तरह अप टू डाउन, या आपके पास रो देन कॉलम्स वगैरह आपने बनानी है, कोई आपने डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना है तो आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास टेबल टूल्स के नाम से दो टैब्स ओपन होंगे, जो एक डिज़ाइन है कि लेआउट मैंने बाकायदा बहुत ही डिटेल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ाई है, तो आप उसको फॉलो करें। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर पिक्चर, अगर आप कोई पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हो। मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ। पिक्चर में रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन, कलर्स डिटेल में मैंने पढ़ा भी चुका हूँ। आप यहाँ से इसको बॉर्डर वगैरह देना चाहें तो आप दे सकते हैं बाकायदा। इसी तरीके से हमारे पास स्क्रीनशॉट फाइल का आपने स्क्रीनशॉट निकालना है। फोटो एल्बम हमारे पास आता है, इसके लिए मैं न्यू फाइल लेना चाहूँगा। सबसे पहले आप फाइल पे न्यू पर क्लिक करें, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, वही प्रेजेंटेशन हमारे पास पीछे मौजूद है। फोटो एल्बम हमारे पास होते हैं कि अगर आपने फर्स्ट करके कोई एल्बम वगैरह बनाना है तो इसके लिए मैं फोटो एल्बम पे न्यू फोटो एल्बम, फाइल डेस्क पर आके आपने कोई भी मतलब तस्वीरें वस्वीरें इसके अंदर ऐड कर दें। जैसे मैं इनको इंसर्ट करता जा रहा हूँ, आप इन तमाम को इंसर्ट की, आप टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहो तो आप टेक्स्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको अप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, या आप इसको जिस तरह आप उसको रखना चाहो।
ये आपके पास सिंपल एक आपने फोटो एल्बम बना के आपके पास ये तीन तस्वीरें देना, आप उसमें टेक्स्ट वगैरह लगाना चाह रहे हो, रिमूव कर सकते हो यहाँ से, फिट टू स्लाइड किस तरह रखना चाह रहे हो। थीम्स आपके पास होते हैं जो मैंने शुरू में बताया था, जो टेम्पलेट्स आपको शो वही थीम्स होते हैं। आप ब्राउज में यहाँ से कोई भी थीम्स वगैरह आप सेलेक्ट, मैं स्लाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप इसको सेलेक्ट कर, जब आप इसको क्रिएट करते हैं तो आपके पास पूरा एक एल्बम बना बनाया जाता है जिसमें आप देखेंगे फोटो एल्बम, देन आपने जितनी भी तस्वीरें वगैरह सेलेक्ट की थी वो आ जाएगी। लास्ट वाला मैंने टेक्स्ट के लिए लिया था तो आपके पास टेक्स्ट स्लाइड आ गया, ठीक है। इसमें आप इस तरीके से आप फोटो एल्बम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास शेप्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी शेप्स वगैरह यूज किए, होम के अंदर आप यहाँ से भी शेप्स वगैरह यूज कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट होता है, स्मार्ट आर्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर होम मेन्यू में भी आपको करा दिया, स्मार्ट आर्ट यूज आप चार्ट वगैरह भी सेम इसी तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास होते हैपरलिंक्स, लिंक्स एक्शन हैपरलिंक, ये हमारे पास होते हैं जैसे हमने वर्ड में यूज किया था किसी दूसरे हेडिंग्स वगैरह के साथ लिंक बनाना, इसमें हम लिंक्स यूज करेंगे शेप्स के अंदर। जाहिर सी बात है जब हम कोई स्लाइड वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें हमें कोई प्रेजेंटेशन वगैरह यूज करनी होती है, प्रेजेंटेशन के हवाले से काम कर रहे होते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है शेप्स के अंदर बटन्स का, एक्शन बटन्स, ये हमारे पास प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट वन, फर्स्ट वन, लास्ट वन, देन फर्स्ट वन, ये हमारे पास एक्शन बटन होते हैं जिसको हम मैं हाइपरलिंक के जरिए मैं बताने की कोशिश करूँगा, समझा। तो सबसे पहले हमारे पास ये तीन स्लाइड्स है, स्लाइड को प्रीव्यू करने का अगर आप उसको देखना चाहते हो कि मतलब अपने फुल स्क्रीन उसको प्रीव्यू करना है तो उसके लिए हम F5 बटन का इस्तेमाल करते हैं। आप F5 जब प्रेस करेंगे तो आपके पास मुकम्मल स्लाइड प्रेजेंट होगी, आप लेफ्ट और राइट एरो से भी आप उसको इसके अंदर वॉकिंग वगैरह कर सकते हो, स्केप बटन से आप वापस अपने मैनुअल पेज पे आते हो। तो अगर आप इसमें बटन वगैरह का यूज़ करते हो तो आप शेप्स में रहे, यहाँ से आप एक्शन बटन का यूज़ कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट पेज पर हूँ तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पेज का एक्शन बटन लगाया, यहाँ पर मेरे पास एक्शन सेटिंग ओपन हो चुकी है जिसमें माउस क्लिक के हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड पहले से प्रोग्राम हुआ है तो आप उसको ओके कर लें। सेकेंड पर मैं आया, यहाँ पर मैं एक इन शेप्स, देन मैं पीछे भी जाना चाह रहा था तो यहाँ पर प्रीवियस बटन मैंने यूज़ किया, तो आप देखिए माउस क्लिक हाइपर लिंक टू प्रीवियस स्लाइड, ओके कर लें। और नेक्स्ट पर भी आप जा सकते हो, यहाँ शेप से आप दोबारा से एक्शन बटन का यूज़ कर सकते हो। इसी तरह आप जब आखिरी पेज पे आते हो तो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो प्रीवियस, ओके कर। जब आप इसको F5 से प्रीव्यू करते हो, जब आप इसको व्यू देख रहे होते हो, अगर आप चाह रहे हो मुझे नेक्स्ट पर जाना तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पे मूव करेगा, अगर आपने प्रीवियस पे जाना तो आप प्रीवियस पे क्लिक करें, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी तरह प्रीवियस प्रीवियस, इस तरह हम एक्शन बटन का यूज करते हो। अगर आपने फर्ज करके इसको एक और ऑप्शन आता है माउस और वगैरह बनाना है तो वो इंसर्ट पर आप लिंक और हाइपर लिंक और एक्शन दोनों बोथ आर से दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर हाइपर लिंक का यूज़ करता हूँ, माउस और आ गया हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, आपने उसको वर्क थी ओके किया। इसी तरह आप यहाँ पर आ गए एक्शन वगैरह किसी पर भी माउस और हाइपर लिंक टू, या मेरे पास प्रीवियस स्लाइड है ओके करें इसको, यहाँ पर इसके ऊपर आते माउस और हाइपर लिंक टू प्रीवियस स्लाइड ओके करें, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड, माउस और हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड ओके करें, आप यहाँ पर आ जाए एक्शन माउस और हाइपर लिंक टू प्रीवियस स्लाइड, देन आप इसको ओके करें। जब आप इसको व्यू करते हो इस दफ़ा आपने क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आप इसके ऊपर माउस लेके आते हो तो वो डायरेक्ट मूव कर लेगा, मतलब आपके पास आपका पेज चेंज हो जाता है, आपने क्लिक करना ना होना होता है, स्केप करें। कमेंट सेक्शन हमारे पास होता है, अगर आप कमेंट्स वगैरह यूज़ करना चाह रहे हो तो आप कमेंट्स भी स्लाइड के ऊपर कमेंट कोई भी
कमेंट वगैरह आप यूज कर सकते हो। कोई भी आप कमेंट वगैरह दो, अगर आप इसको क्लोज कर दो तो आप क्लोज के जब आप स्लाइड के ऊपर आते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स पर क्लिक करना है तो आपके पास कोई जो आपने कमेंट दिया होता है वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें हम काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी एक टेक्स्ट बॉक्स है। हैदर एंड फुदर होता है, हैदर एंड फुदर स्लाइड्स के अंदर शो तो नहीं होता बट जब आप उसको प्रिंट कर दो तो उसके अंदर ये शो होता है। मेन बटन वगैरह को थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। सेक्शन हैदर एंड फुदर पर जब आप इंक्लूड ऑन स्लाइड कि आपने स्लाइड पे क्या क्या लिखे आने तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अपडेट ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर डेट एंड टाइम वगैरह आ गया। स्लाइड नंबर लिख लेना चाहते हो, फुतर लिख लेना चाहते हो, कोई भी आप फुतर वगैरह लिख सकते हो। तो आज जब आप इसको अप्लाई टू ऑल करते हो तो सबके ऊपर ही ये अप्लाई हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक किस्म का स्लाइड के ऊपर हैदर एंड फुतर यूज करना कैसे होता है वो भी आपके पास आ गया। वर्ड आर्ट ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो, अगर आप इसने मिसाल के तौर पर इनके ऊपर वर्ड आर्ट यूज करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो बाकायदा तौर पर। यहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह लिख टाइप कर सकते हो। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसे हमने शेप्स में पढ़ा था, पिक्चर में भी हमने ये पढ़ा था। ड्राइंग टूल्स आपके पास होती हैं। डेट एंड टाइम वगैरह अगर आपने ऐड करना है तो आप इसमें डेट एंड टाइम वगैरह लेकर, स्लाइड नंबर लेके आना तो स्लाइड नंबर लेके आ सकते हो। स्लाइड नंबर जो कि हैदर एंड फुतर से ऑलरेडी लेके आ चुके। ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं तो ऑब्जेक्ट बेसिकली आपके इसी फाइल के अंदर किसी दूसरी फाइल को अगर आप ओपन करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो। क्रिएट फ्रॉम फाइल से भली भले फाइल, क्रिएट न्यू से आप यहाँ से इन फाइलों को ओपन कर सकते हो। जब आप ब्राउज पर आते हो तो आप कोई भी फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करो, ओके करो तो आपके पास वो फाइल इस स्लाइड के ऊपर आ जाती है। यहाँ पर ये फाइल पासवर्ड मांग रही है तो मेरे पास पासवर्ड है तो नहीं, इसको क्लोज करो। इसी तरह आपने क्वेश्चन एंड सैम्पल्स का यूज करना है तो आप क्वेश्चन एंड सैम्पल्स का भी इसके अंदर यूज कर सकते हो। फर्स्ट के लिए एक प्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स के हवाले से या कोई ऐसे और वर्जन फिजिक्स वगैरह के हवाले से हो तो आपने क्वेश्चन वगैरह यूज कर तो आप यहाँ से बाकायदा यूज कर सकते हो। इसके साथ हमारे पास होती है ऑडियो एंड वीडियो। अगर आपने प्रेजेंटेशन के अंदर बैकग्राउंड में कोई साउंड वगैरह लगाना है तो उसके लिए ऑडियो यूज़ करते हैं, अगर आपने कोई वीडियो वगैरह प्ले करनी है तो आप वीडियो यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं वीडियो के ऊपर आता हूँ, वीडियो ऑन माय पीसी। अब अपने पीसी से कोई भी वीडियो वगैरह जैसे हमारे पास ये वीडियो पड़ी हुई है आप इसको इंसर्ट करें, ये हमारे पास मौजूद है। वीडियो का फॉर्मेट है कि आप उसकी हाइट और विड्थ वगैरह सेट कर सकते हो, उसको आप ग्रुप कर सकते हो, उसके अलाइनमेंट रोटेशन ब्रिंग टू फ्रंट, आप वीडियो को कोई शेप वगैरह दे सकते हो। इस तरह आप इसको शेप वगैरह दे सकते हो, कोई भी किसी भी शेप में आप इस वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप इसको अगर किसी भी साइट वगैरह पर रखते हो या किसी और स्लाइड वगैरह में रखते हो तो आप यहाँ से कट कॉपी पेस्ट या उसी स्लाइड पर आके वीडियो वगैरह रख सकते हो। आप शेप में यहाँ पर सॉफ्टनेस वगैरह इसमें यूज कर लेता हूँ। फिर हमारे पास प्लेबैक होता है, प्लेबैक में अगर आप उसको प्ले करना चाह रहे हो, एड बुक मार्क होता है कि आप बीच में कोई कहीं पर एक कोई पॉइंट वगैरह देना चाह रहे हो जहाँ पर उसको स्टॉप करना चाहिए, कोई भी बुक मार्क वगैरह लगाना चाह रहे हो। वीडियो का ट्रिम करने, फेड इन फेड आउट, फेड इन ड्यूरेशन फेड आउट करेंगे साउंड के हवाले से। तो शुरू में साउंड या इसके वॉल्यूम वगैरह स्लो होती है, जब आप उसको आगे लेते बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास वॉल्यूम उसका बढ़ता जाता है। इसी तरह वॉल्यूम किस तरह रखने, आपने प्ले फुल स्क्रीन या वाइल नॉट प्लेइंग, जब प्लेइंग ना हो तो वो हाइड हो जाएगा। लो पॉइंट स्टॉप का मतलब तो रुकेगा नहीं, कंटिन्यू जब नहीं, जब ख़त्म हुए दोबारा शुरू, रिफाइन आफ्टर प्लेइंग कि प्लेइंग प्ले होने के बाद जब ये कम्प्लीट हो उसके बाद ये रिवाइंड होगी। सो मैं इसको सिर्फ लूप अंटिल स्टॉप का
करता हूँ और यहाँ से जब मैं F5 प्रेस करता हूँ दिमाग में प्रीव्यू, तो आप इसके देखिए यहाँ से आप बाकायदे इसको जब आप इसको प्ले करते हो तो आपके पास मुकम्मल ये प्ले होगी। जब आप दूसरे स्लाइड के ऊपर आते हो तो ये वीडियो इसी स्लाइड पर है, जब आप दूसरे स्लाइड पर आते हो तो आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप चाह रहे हो आपने कोई ऑडियो वगैरह लगानी है बैकग्राउंड पे, तो आप ऑडियो ऑन माय पीसी पर में आया, यहाँ से हमारे पास ये एक ऑडियो हमारे पास मौजूद है, डाउनलोड ऑप्शन पर है, यहाँ पर वीडियो ऑडियो है, इसको आप इंसर्ट करें, यह हमारे पास एक ऑडियो आ गई। इसी तरह जिस तरह वीडियो के ऑप्शंस थे, इस तरह ऑडियो के भी, ऑडियो में फॉर्मेट यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल एक सैम्पल है। प्लेबैक में आते हैं कि अगर आप प्ले करो स्लाइड के तमाम स्लाइड पर एक साथ ही प्ले हो, लो पार्ट स्टॉप की ये स्टॉप ना होगा। हाइड बाय ड्यूरिंग शो, जब आप इसको शो करते हो तो ये जो सैम्पल है ये आपके पास शो नहीं होगा। अब इसको ऑटोमेटिक बना सकते हो, इसका वॉल्यूम आप हाई या मीडियम रखना, मीडियम रख सकते हो। अगर आप इसको ट्रिम करना चाहो तो आप इसको ट्रिम भी कर सकते हो, ये आपके पास, अगर आप इसको प्ले करो ये आपके पास से। अगर आप चाह रहे हो कि आपने इसको ट्रिम करें तो आप ट्रिम भी कर सकते हो, या मोबाइल 30 सेकंड का एक ऑडियो, अगर आप शुरू कर 3 सेकंड, अगर आप चाह रहे हो कि आप इसको स्लो रख लें लास्ट के आपके 3 सेकंड, तो ये आपके पास मुकम्मल एक सेटअप बन गया। जब आप इसको F5 से प्रीव्यू करते हो तो आपके पास एक, अब अलग अलग स्लाइड पे जाते हो आपके पास ये वो ऑडियो वगैरह होती, तो लास्ट के आपके 3 सेकंड आपने देखे तो वॉल्यूम का डाउन हो गया। तो ये हमारे पास वो ऑडियो की सेटिंग थी, ये अमूमन यूज होती है। इसके बाद हमारे पास होता है डिजाइन। डिजाइन में आप थीम्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट करते हैं। तो मैं ऑडियो सैंपल को थोड़ा सा साइड पर रख देता हूँ, यहाँ पर अगर आपने इन स्लाइड को कोई थीम वगैरह देना तो आप थीम्स वगैरह दे सकते हो। इसके साथ आपके मुकम्मल फॉन्ट जो आपके पास फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह तो तकरीबन सारा चेंज हो जाता है। मैं इसको यहाँ पर ये स्लाइड तो ये तो कॉन्स्टेंट। अगर आप चाह रहे हो कि आपने वेरिएंट्स वगैरह कलर्स वगैरह के चेंज करें तो आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो। स्लाइड साइज आपके पास होते हैं, आप स्टैंडर्ड रखना है स्टैंडर्ड रख सकते हो, ये मैक्सिमम या श्योर फिट जिस तरह आप रखते हो मैक्सिमाइज, तो आपके पास मैक्सिमाइज आ गया। अगर आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के जो आपके पास फॉर्मेट है, अगर आप इसको सॉलिड कलर आपने फिल करना है, ग्रेडियंट या पिक्चर टेक्स्चर वगैरह, जिस तरह से भी आप इसको जिससे ये पहले से डिज़ाइन वो हुआ है, तो आप इनको तरतीब अपने हिसाब से इनको पेज बैकग्राउंड को डिज़ाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको वाइट स्क्रीन रख देता हूँ और यहाँ से मैं इनको पेज आपके पास। इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ये एक मेन टॉपिक है। होम इंसर्ट एंड डिज़ाइन में हमने स्लाइड किस तरह बनाते हैं, कैसे टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह, किस तरीके से प्रेजेंटेशन कंप्लीट बना सकते, तो वो हमारे पास होम इंसर्ट और डिज़ाइन में था। ट्रांजिशन एनिमेशन स्लाइड शो और आपके पास रिव्यू व्यू, रिव्यू व्यू तो आपके पास रिव्यू का मतलब होता है कि आप स्लाइड आपने मुकम्मल बनाए उसको चेक करना चाह रहे हो स्पेलिंग वगैरह, और व्यू में आप उसको बाकायदा देखना चाह रहे हो। ट्रांजिशन एनिमेशन स्लाइड शो हमारे पास
एनिमेशन के हवाले से आता है। पहला ऑप्शन हमारे पास होता है कि आपने ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, आपने इस स्लाइड को कोई आप चाह रहे हो कि आपने कोई इफेक्ट देने है, क्या जब आप इसको प्ले करो तो किस एंगल से किस इफेक्ट्स के साथ है, आपको जो आपके पास ऑडियंस वगैरह बैठी होते हैं कि उनके पास किस तरीके से इशू हो, तो उसके लिए हमारे पास ट्रांजिशन आती है। तो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास एनिमेशन होते हैं, आप कोई भी एनिमेशन वगैरह इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपके पास इफेक्ट ऑप्शन होते हैं कि आपने इसको फ्रॉम बॉटम, हर एक में इफेक्ट ऑप्शन नहीं होते, बाद में फिक्स होता है कि ये इफेक्ट है आप सिंपल ये यूज करें, इनमें से सेंटर है, बॉटम लेफ्ट है, बॉटम राइट है, इस तरीके से यूज कर सकते हो। कोई साउंड आप लगाना चाह रहे हो, यहाँ से आप साउंड लगा सकते हो। अगर आपने ऑडियो यूज की हुई बैकग्राउंड में तो आपने साउंड लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये साउंड होता है जब ये इफेक्ट हो रहा होता है, ये पेज जब शो हो रहा होता है, तो इन दरमियान कोई साउंड वगैरह आप लगाना चाह रहे हो। ड्यूरेशन हमारे पास होते हैं कि कितने टाइम पर, कितने टाइम बाद या कितने टाइम पर ये आपके पास ये इफेक्ट होकर है, तो ये 1.5 सेकंड है, मैं चाह रहा हूँ ये 2 सेकंड हो जाए। अप्लाई टू ऑल का मतलब होता है कि ये आपके पास इन तमाम स्लाइड्स पर यही ड्यूरेशन, यही स्लाइड इफेक्ट वगैरह यूज हो जाए। अगर आप चाह रहे हो कि आपने इसको ऑटोमेटिक बनाना है, ये हमारे पास ऑन माउस क्लिक के ऊपर ये आपके पास फाइल स्लाइड चेंज होती है, अगर आप इसको आफ्टर करते हो माउस क्लिक से चेक हटा देते हो, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको बाकायदा एक टाइम देते हो। मैं चाह रहा हूँ कि 5 सेकंड के बाद आपके पास ये स्लाइड खुद ब खुद तब्दील होकर सेकेंड स्लाइड शुरू हो जाए। अब अगर आप इसमें इफेक्ट लगाना चाहो तो इसमें भी लगा सकते हो, जिस तरह मैं इसमें ये लगा लेता हूँ, आप इफेक्ट आप देखिए थ्रो ब्लैक से आप 1.5 सेकंड का इसको टाइम दे दो। फिर मैं चाह रहा हूँ कि ये आफ्टर मतलब बाकायदा एक 5 सेकंड के बाद खुद ब खुद चेंज हो जाए। इसी तरह मैं लास्ट पर आए, लास्ट में मैंने वेब लगाई, आप इनको भी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। यहाँ से आपने आफ्टर कर दिया 5 सेकंड, आप इसको भी कंटिन्यू रखने चाहिए। तो ये हमारे पास था। इसी तरीके से आप हर एक के अंदर मुख्तलिफ ड्यूरेशन और स्लाइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो मैंने तमाम स्लाइड्स के ऊपर एक एनिमेशन, एक इफेक्ट, एक टाइम वगैरह अप्लाई कर दिए। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, इसको जब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो आप इसको देखें। F5 तो ये हमारे पास बिल्कुल एक नॉर्मल सी थी कि आप 5 सेकंड तक आपने उसको रोका, फिर आपने मतलब नेक्स्ट स्लाइड आपके पास शो होगी। अगर आप चाहें तो आप ड्यूरेशन वगैरह बढ़ा सकते हैं, मैं 10-10 सेकंड तमाम में कर लेता हूँ, ताकि जो ऑडियंस होते हैं जो पेज के अंदर जो लिखा हुआ होता है उन पर भी पढ़ सकें। प्लेबैक के मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ, मैं इनका वॉल्यूम थोड़ा मीडियम रख देता हूँ। अब हमारे पास है एनिमेशन। ट्रांजिशन तो क्लियर हो चुकी, एनिमेशन में हमारे पास टेक्स्ट जो आपके पास मौजूद होते हैं इनके ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह अगर आपने यूज करना है वो हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास आता है कि अगर आप इसको फेड लेके आना चाह रहे हो, जैसे इस तरीके से फेड इन लेके आना चाह रहे हो, कोई भी आप जो अमूमन यूज होता है वाइप वगैरह यूज होता है, फेड यूज होता है, क्योंकि अगर आपने प्रोफेशनल कोई वर्क कर ले तो आपने बिल्कुल सिंपल इफेक्ट यूज करनी होती है उसके अंदर। सेम प्रोसेस आपके पास इफेक्ट ऑप्शन के ऊपर आता है। इसी तरह जिस तरह आपके पास ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन में इफेक्ट ऑप्शन थे, जैसे इसके अंदर एज वन ऑब्जेक्ट के एक वन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एड एनिमेशन का मतलब होता है आपने एक एनिमेशन इसके ऊपर लगा, आप चारों को 2-3 एनिमेशन एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना चाहो तो आप यहाँ से इसके मतलब इस टेक्स्ट के ऊपर 2-3 एनिमेशन यहाँ से लगा सकते हो।
हमारे पास होता है टाइमिंग। टाइमिंग अगर आप ऑन क्लिक है, ठीक है, अगर आप इसको ड्यूरेशन और डिले दे देते हो तो ये आपके पास ऑटोमेटिक बन जाता है। ड्यूरेशन मैं चाह रहा हूँ कि ये एक सेकंड के अंदर ये इफेक्ट होकर आपके पास टेक्स्ट शो हो जाए और कम से कम 2 सेकंड तक ये आपके पास रुका रहे। 2 सेकंड के बाद ये दूसरा आपके पास जो होगा जिसके ऊपर मैं अभी एनिमेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये फेड इन के ऊपर है। ये आपके पास देखे, आप इसको 1 सेकंड तक रोके रखे, फिर आप आए नेक्स्ट उसके ऊपर आप यहाँ से इस टेक्स्ट को भी कोई इफेक्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसको शेप दे दिया इस तरीके से, आप या इफेक्ट ऑप्शन पर आप देखिए सर्कल बॉक्स डायमंड प्लस इसी तरह इसी के अंदर भी ऑप्शन है। आप चाह रहे हैं कि इसको 1 सेकंड तक रोका जाए और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 सेकंड हो जाए। इसी तरह आपके पास ये आ गया, आप इन तमाम के ऊपर लगाना चाह रहे हो कोई भी। मैं लगाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर रैंडम बार्स देखे, मैं चाह रहा हूँ कि 1 सेकंड के अंदर ये तमाम आपके पास शो हो जाए, कम अज कम ये 2 सेकंड तक और ओके रखे। इसी तरह आपके पास आपने यहाँ पर इसके ऊपर कोई एनिमेशन वगैरह लगा दी, मुख्तलिफ एनिमेशन, अगर आप मोर एंट्रेंस इफेक्ट पर आते हो या एम्फेज इफेक्ट होते हैं एंट्रेंस के आपके पास इफेक्ट होके टेक्स आ जाती है आपके पास, तो यहाँ से आप कोई भी मतलब आप जैसे स्पाइनर है ओके करें, इसको ड्यूरेशन आपने इसके 1 सेकंड कर ली, इसको आप 2 सेकंड कर ले। इसी तरह आप इन तमाम के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करें, जो मैं एक वेब लगाना चाहूँ तो आप इनकी ड्यूरेशन भी 1 सेकंड कर ले, इनको आप 2 सेकंड तक ओके। तो ये आपने एनिमेशन के अंदर भी इन तमाम चीज़ें अप्लाई कर ली। इसके अंदर एनिमेशन पे ये बिल्कुल सेम है, जितने आपने एनिमेशन अप्लाई किए थे वो सब आपके पास मौजूद है, ठीक है। फिर आपने किसको फर्स्ट करना है किसको सेकंड करना है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ से आपके पास ड्यूरेशन होती है कि आप यहाँ से ड्यूरेशन वगैरह सेट कर सकते हो, बाय मैनुअली आप यहाँ से भी कर सकते हो। बेहतर ये है कि आप यहाँ से सेटिंग करके इसको क्लियर कर लो। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन और ट्रांजिशन एंड एनिमेशन था। मैं इसको F5 से प्रीव्यू करता हूँ तो आप देखें। तो आप देख सकते हैं आपके पास जिस तरह टैक्स वगैरह शो होते जा रहे हैं। अब हमारे पास है स्लाइड शो। स्लाइड शो हमारे पास टैब है फ्रॉम बिगिनिंग, क्या आपने बिल्कुल शुरू से इसको प्ले करना है तो ये उसके लिए होता है। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब होता है कि जिस स्लाइड पर आपका कर्सर वगैरह मतलब आपके क्लिक किया होता है वो। प्रेजेंट ऑनलाइन का आपने कोई ऑनलाइन प्रेजेंटेशन वगैरह करनी है इसलिए। कस्टम शो आपके पास होता है, कस्टम शो पर आप आए न्यू शो आपने बनाई, ये आपके पास 3 स्लाइड्स आपने चेक लगाया, आपने इसको ऐड किया, फिर आप चल गए स्टाफ को ऐड किया, लास्ट टाइमिंग को ऐड किया, आप चल गए स्टाफ 2 दफ़ा आ जाए, आप उसको अप डाउन कर सकते हो, किसी स्लाइड को रिमूव कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी मतलब आप उसको कस्टम शो बना सकते हो। आपने उसको नाम भी दे दिया, आप उसको ओके करें, ये आपके पास आ गया। जब आप इसको शो कर दो तो आपने उसी के ऊपर करना, मतलब जिस तरह आपने शो कस्टम की थी कस्टमाइज की थी तो ये उसी हिसाब से होगा। जब आपके पास फर्स्ट स्लाइड जब आप सेकेंड स्लाइड पर आते हो तो सेकेंड स्लाइड आपके पास क्लास होगा, ये आपके पास कस्टम शो का। सेटअप ऑफ स्लाइड शो आपके पास होता है, सेटअप ऑफ स्लाइड से प्रेजेंट बाय फुल स्क्रीन, क्या आपके पास फुल स्क्रीन से प्रेजेंट। इंडिविजुअल विंडो होता है, क्या आपके पास विंडो तक ये, अभी जब मैं इसको F5 से प्रीव्यू करता हूँ तो ये विंडो तक हो गया, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, यहाँ से आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हो, आप स्केप करें तो आप इससे बाहर आएंगे।
सेटअप और स्लाइड शो क्विक्स आपके पास होते हैं कि आप इसमें कोई वर्क वगैरह नहीं करते। जिस तरह अगर आप फुल स्क्रीन में वर्क करते हो, जब आप फुल स्क्रीन में वर्क कर आप फाइव से इसको प्रीव्यू करते हो तो आप देखें आप इसमें वर्क वगैरह मतलब आपने सेकेंड पे जाना है, आपने थर्ड पे जाना है, ये फिलहाल हमारे पास ऑटोमेटिक है। इसी तरीके से आपके पास लूप अंटिल स्टॉप, जब तक आप एस्केप बटन नहीं प्रेस करेंगे ये आपके पास स्टॉप नहीं होगा। शो विदाउट नरेशन, बगैर उसके साउंड के, शो विदाउट एनिमेशन, जो आपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन वगैरह यूज़ किए तो उसके अलावा ये शो होगा। डिजेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स, जो आपके पास इसमें ग्राफिक्स है उसको डिजेबल करता है। पेन कलर या पॉइंटर कलर जो हम इसमें यूज़ करते हैं। शो स्लाइड्स को ऑल, ऑल का मतलब होता है तमाम के तमाम। आपके पास फॉर्म के में आपने फर्ज करके आपके पास 30-32 स्लाइड्स हैं या 40 स्लाइड 50 स्लाइड्स हैं, आपने उनमें से बीच बीच में से किसी को शो करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम शो जो आपने बनाई होती है वो आपके पास होती है। तो ये हमारे पास सिंपल सेटअप ऑफ स्लाइड शो होता। मैं इसको ओके करता हूँ। हाइट स्लाइड का मतलब किसी भी स्लाइड को आपने हाइड करे तो वो आपके पास अभी जब आप इसको प्ले करते हो तो आपके पास ये शो नहीं होगा। अगर हाइट से चेक करो तो आपके पास हाइट नहीं होगा। तो ये तमाम हमारे पास था स्लाइड शो टेप्स के अंदर, ये मेन्यू यही थी। अब मैं इसको जिस तरह लूप अंटिल स्टॉप किया था, मैंने जब तक मैं एक्सेस प्रेस नहीं करूँगी जो ख़त्म नहीं होगी, मतलब एक दफ़ा ये ख़त्म हो दोबारा ये खुद ब खुद कंटिन्यू होगी। जब आप एक्सेस प्रेस करते हो तो ये आपके पास रुक जाएंगे। अब हमारे पास रिव्यू, रिव्यू में आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर वगैरह चेक करने कि आपने स्पेलिंग वगैरह कैसे करेक्ट वगैरह लिखी है कि नहीं लिखी। जिस तरह ये राहुल हॉक को सेलेक्ट करा मैं इसको इग्नोर कर लेता हूँ। इग्नोर ऑल करेंगे तो आपने जितने भी लिखे होंगे सारे इग्नोर हो जाएंगे। ये मूवीज मतलब अपने हिसाब से ये इसको अगर आप ऐड करना चाहो डिक्शनरी में इसको ऐड कर सकते हो। और लैंग्वेज वगैरह टिक्चर वगैरह क्या आपने इस वर्ड की जगह कोई और वर्ड भी इस्तेमाल, कमेंट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए। ये आपके पास कमेंट्स वगैरह जो थे जिसमें आपने कमेंट्स वगैरह यूज़ किए थे तो ये आपके पास ये एक कमेंट आपके पास यूज है जो वो शो कर रहा है। अगर आप कमेंट को डिलीट करें तो डिलीट कर सकते हो यहाँ से। तो रिव्यू बिल्कुल सिंपल था, प्रोफेसिंग लैंग्वेज कमेंट था। इसके बाद आता है व्यू। व्यू आपके पास नॉर्मल आपके पास जिसमें आउटलाइन व्यू आपके पास यहाँ पर मौजूद होती है, आपके पास स्लाइड्स का कंटेंट में शो हो रहा होता है। आउटलाइन व्यू अगर आप इसका देखना चाहो तो आप आउटलाइन, इससे फायदा ये होता है कि आप इसमें मतलब अगर आपने इसमें कुछ मजीद वर्क वगैरह करना तो आप इसके अंदर टाइप करके कर सकते हो। कोई और स्लाइड वगैरह लेनी तो आप बाकायदे से इसमें एड एंड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हो। स्लाइड्स ऑल्टर होते आप इसको वर्ड को अपने हिसाब से इसको तरतीब वगैरह दे सकते हो। नोट पेज होता है कि अगर आपने किसी पेज के ऊपर कोई भी नोट वगैरह लिख दिया तो ये आपके अगर आप यहाँ पे कोई नोट वगैरह लिख देते हो तो आपके पास जब आप इसको नॉर्मल व्यू पे लेके आते हो आउटलाइन व्यू पे आप देखते हो या नॉर्मल व्यू पे शो नोट्स पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास उस स्लाइड का आपके पास नोट शो हो रहा होता है। रीडिंग व्यू क्या आप उसको पढ़ना चाह रहे हो। स्लाइड व्यू मास्टर व्यू से नॉर्मली ज़्यादा इस्तेमाल होते नहीं है, जस्ट आपको बता रहे थे आप किस तरह इसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो। रूलर्स वगैरह ग्रिड लाइन रूलर्स लेके आना चाह रहे हो, ग्रिड लाइन लेके आना चाह रहे हो, गाइड्स वगैरह लेके आना चाह रहे हो। शो नोट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बोले जब क्लिक हटाऊंगा तो आपके पास नोट्स हाइड हो जाएगा।
व्यू डायरेक्शंस आपके राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट इसको रख सकते हो। आपके पास जूम ऑप्शन है, जूम आप इसको कितना करना चाहते हो वो आपके पास है। अगर आप फिट टू विंडो रख रहे, फिट टू विंडो कलरफुल है, ग्रे साइकिल आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट पे कन्वर्ट करना चाह रहे हो बैक टू कलर, तो ये बिल्कुल आपके पास कलरफुल हो जाएगा। न्यू विंडो इसी विंडो की कॉपी है उसको आप, और जब आप इसको न्यू विंडो ले तो आपके पास न्यू विंडो आ जाती है इसकी। सेम जब इसमें वर्क कर तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी वर्क होगा। ऑरेंज और या कैस्केड है एक दूसरे के, आपने इसको आगे पीछे इसको एडजस्ट करने है। इसी तरह स्विच विंडो आपके पास, इस वक्त आपके पास तकरीबन 4 प्रेजेंटेशन ओपन है जिसमें आप वो आपके पास दूसरा वाले मैक्रो इसमें यूज नहीं होता ज्यादा। तो ये थी हमारे पास पावर पॉइंट की मुकम्मल, मतलब इसी एक क्लास के अंदर मैंने तमाम टैब्स और तमाम मेन्यूज को मुकम्मल कर दिया, जिसमें आप किस तरह प्रेजेंटेशन बना सकते हो, किस तरह आप एनिमेशन वगैरह लगा सकते हो, मैंने तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अब हमारे पास जो आखिरी चीज़ रही वो है, अगर आपने इसकी क्लिप कैसे बनानी है। अगर आप चाह रहे हो कि आपने सब कुछ तो कर लिया, अब आप चाह रहे हो कि आपने इसकी एक वीडियो टाइप बनानी है, आप वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है, आपने सिंपल आने फाइल पे, फाइल पे आने के बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के आने के बाद क्रिएट अ वीडियो, देन क्रिएट वीडियो पर आपने क्लिक करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर इसको रखना है टेक्नोफाइल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से, मैंने यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक किया। अब ये हमारे पास, ये जो आपके पास स्लाइड्स बनी हुई ये एक क्लिप पर कन्वर्ट हो रही है, एक वीडियो पर कन्वर्ट हो रही है। चूँकि हमारे पास प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है कि इस वक्त ये कन्वर्जन हो रही है, वीडियो पे कन्वर्ट होते वक्त ये थोड़ा टाइम ले रहा होता है। आई थिंक हमारे पास ये कंप्लीट। अब इसको मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करने के बाद आप डेस्कटॉप के ऊपर देखें आपके पास ये क्लिप मौजूद है, राइट क्लिक करके आपको इसको प्ले करें। ये हमारे पास एक कंप्लीट क्लिप वीडियो के थ्रू बन चुकी है। तो ये था हमारे पास पावर पॉइंट जो मैंने बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, जिसमें मैंने कंप्लीट आप लोगों को अपनी तरफ से तमाम कोशिश की कि मैं आपको आसान लफ्जों में समझा सकूं, जिसमें मैंने हम इंसर्ट डिज़ाइन ट्रांजिशन एनिमेशन स्लाइड शो रिव्यू व्यू मुकम्मल कंप्लीट कर लिया, और आपको वीडियो बनाना भी सिखा दिया मैंने। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी अगली क्लासेस में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ वगैरह जो क्लासेस वगैरह हैं वो आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।